नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस के कुछ बैक कवर्स। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनको अलग अलग तरह के बैक कवर चाहिए होते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन के कुछ बैक कवर दिखाऊंगा लगा के इस फ़ोन पे, जिससे दोस्तों आपको पता लग सके कि आपको किस क्वालिटी का कैसा बैक कवर लेना चाहिए अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग तरह की चॉइस होती है। दोस्तों, जो बैक कवर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो सारे बैक कवर मैं यूज कर चुका हूँ, बट फिर भी दोस्तों मैं आपको एक अनबॉक्सिंग की तरह दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों देखिए, ये मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस वाइट कलर का, जिस पर दोस्तों सैमसंग लिखा हुआ है। देखिए हल्का हल्का, देखिए सैमसंग लिखा हुआ है हल्का हल्का। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक कवर, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, पहला कवर है मेरे पास ये दोस्तों लेदर टाइप से, जिसमें दोस्तों को लेदर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ पहले। और दोस्तों मेरे पास चार कवर हैं, जिसमें दोस्तों यही एक कवर ऐसा है जो अलग क्वालिटी का है, बाकी तीन जो कवर हैं दोस्तों वो सेम क्वालिटी एक से लगते हैं। तो मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए पहला कवर ये वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये लेदर टाइप से है, वो लेदर की क्वालिटी है, और अंदर दोस्तों ऐसा कुछ टेक्स्चर दिया हुआ है। साइड में दोस्तों आपको जो रबर टाइप से दिए गए हैं, जिससे आपके फ़ोन में कोई दिक्कत ना आए। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस पे दोस्तों ये कैमरे का बम्प दिया हुआ है, पूरा कैमरा आपका कवर हो जाएगा। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखिए। अब देखिए, फ़ोन पे जब कवर आप लगाओगे तो आपके फ़ोन की लुक काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी चेंज होकर लगेगी आपको, और आपका पूरा कैमरा पूरा कवर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ दोस्तों प्लेस के लिए कटिंग दी गई है, और कटिंग दोस्तों इस जो कवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सब की कटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। देखिए यहाँ पर टेक्स्चर दिया गया है, जो पकड़ने में काफ़ी अच्छा, आपको स्लिपरी ना लगे। और इस तरफ भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे ये बटन दिए गए हैं, नीचे आपको कटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। देखिए, तो ये दोस्तों लेदर की क्वालिटी की टाइप से है, काफ़ी लोगों को लेदर की शेप में कवर अच्छे लगते हैं लेदर वाले, तो उनके लिए कवर काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों इन सभी की प्राइस मैं आपको बताऊँगा साथ में। दोस्तों ये जो कवर है, ये आपको आपकी मार्केट में 350 या 400 समथिंग मिल जाएगा, बट वहीं आप अगर इस कवर को ऑनलाइन खरीदते हो तो इसकी प्राइस समथिंग 600 या 700 रुपये होने वाली है। और दोस्तों जो भी कवर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, सभी के लिंक आपको खरीदने वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों दूसरा कवर दिखाता हूँ मैं आपको, ये पहला कवर हो गया जो लेदर जैसा है। अब तो दूसरा कवर है मेरे पास, ये देखिए ये वाला, ये दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट कवर, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट टाइप से है। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट कवर है एकदम, ये रबड़ वाला, रबड़ प्लास्टिक वाला दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, क्योंकि इसमें क्या है, जब आप इसमें अपना फ़ोन लगाते हो दोस्तों, तो आपके फ़ोन की दोस्तों जो फ़ोन का जो लुक है वो इसमें पूरी दिखती है। और वहीं दोस्तों इसमें जो गोल्डन कलर की जो रिंग दी गई है, ये कलर दिया गया है साइड से, इससे दोस्तों आपका फ़ोन और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा फ़ोन ऑलरेडी वाइट है, तो वाइट पर दोस्तों जी काफ़ी अच्छा लगता है। तो एक जी कवर दोस्तों, और जो कैमरा इस पर ही पूरा कवर हो रहा है, ये पूरा दोस्तों ये पैक है, ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको साइड से, देखिए इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी कटिंग दी गई है, और बटन भी दोस्तों इसके काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। देखिए देखिए उठे हुए बटन है, देखिए साइड से आपको दिख रहे होंगे। अब दोस्तों आपको तीसरा कवर दिखाता हूँ, इसकी प्राइस की बात करूँ तो जी आपको दोस्तों 250 रुपये का समथिंग मिल जाएगा ऑनलाइन, या फिर ऑफलाइन आप कहीं से भी ले सकते हो। तीसरा कवर दोस्तों ये वाला है, ये भी दोस्तों ट्रांसपेरेंट कवर है, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी अलग है, ये थोड़ा दोस्तों पतला कवर है। इसमें जब आप अपना फ़ोन लगाते हो दोस्तों, ये भी कवर इसमें कैमरा का वो है, कैमरा कवर है इसमें, तो आपको दिक्कत नहीं आई कैमरे के ऊपर। दोस्तों जब आप इसमें अपना फ़ोन लगाते हो तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पतला लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, और स्लिपरी भी लगेगा, क्योंकि ये साइड से दोस्तों राउंड है, ये एकदम फ्लैट नहीं है। दोस्तों ये वाला ही मैंने आपको दिखाया था, ये साइड से थोड़ा राउंड फ्लैट है हल्का आईफोन की तरह, बट ये थोड़ा दोस्तों राउंड है, तो ये थोड़ा स्लिपरी होता है, ये आपके हाथ से स्लिपरी होने के चांस होते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा कवर है, ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर जो फ़ोन होता है दोस्तों, उसमें ट्रांसपेरेंट कवर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको लिया। दोस्तों काफ़ी अच्छा कवर है, इसकी अगर प्राइस की बात करूँ मैं तो ये भी दोस्तों आपको 350 समथिंग मिल जाएगा, चाहे आप इसे ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन। अब दो तीसरा कवर मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी लोगों को कवर अच्छे लगते हैं प्लास्टिक टाइप से,
तो ये देखिए जी है दोस्तों, वो कवर ये देखिए दोस्तों, ये एक प्लास्टिक का कवर है, ये पीछे प्लास्टिक दी गई है पूरे में इसमें। तो साइड में बात करूँ तो जो इसमें आपको दिया गया है सिलिकॉन रबड़, और जो पीछे दी गई है दोस्तों प्लास्टिक, ये पूरा प्लास्टिक का है ये। तो दोस्तों इसमें आपको कैमरे का वो कवर नहीं मिलता देखने के, ये कटे हुआ मिलता है, बट जो कैमरे का जो बम्प है दोस्तों ये उठा हुआ है, तो आपका कैमरा में सेफ रहेगा। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, जब आप इसमें अपना फ़ोन लगाते हो तो आपका दोस्तों जो कैमरा है जो पूरा नज़र आता है इसमें, और कैमरे पर दोस्तों इसकी स्क्रैच नहीं आएंगे, बट फिर भी कैमरे पे इस पर दोस्तों एक्सीडेंटल टच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये कवर नहीं है। और दोस्तों इसकी कटिंग की बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छी कटिंग दी गई है हर तरफ से, और काफ़ी लोगों को इस तरह के कवर अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं प्लास्टिक वाले। तो दोस्तों आप इनमें से कोई सा भी कवर ले सकते हो, इन्हें सभी का खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इन चारों में से कौन से कवर सबसे अच्छे लगे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको सबसे अच्छा कवर इनसे कौन सा लगा। ये देखिए दोस्तों चारों कवर है मेरे पास। दोस्तों अगर मैं अपनी बताऊँ, अपनी चॉइस बताऊँ, तो मुझे सबसे अच्छा लगा ये वाला गोल्डन वाला, क्योंकि इसमें हमारा फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है और ये थोड़ा अच्छा भी लगता है, और दोस्तों सिलिकॉन वाला भी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।